काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी एक दिवसीय दौरे पर 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी पुलिस रुद्राक्ष कन्वेक्शन सेंटर जाएंगे और वहां पर भारत को टीबी मुक्त करने के लिए आयोजित सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। देखिए वाराणसी से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि लगभग 4 महीने बाद नरेंद्र मोदी 24 मार्च को बनारस के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में आएंगे और यदि हम बात करें तो लगभग 9:30 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी वहां आएंगे और वहां से सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा बनारस के पुलिस लाइन जाएंगे और पुलिस लाइन से सड़क मार्ग से सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। जी हाँ, बता दें आपको कि ये वही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जो जापान के सहयोग से बना था। जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ प्रधानमंत्री की जो बातचीत उसके बाद उस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो है निर्माण कराया गया था। उसी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत के लिए जो एक कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन करेंगे और वहां पे संबोधित करने के बाद बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे। सड़क मार्ग से उनको वहां जाना है और वहां पे एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि बनारस के सांसद बनारस की जनता को काशीवासियों को लगभग 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे जिसमें शिलान्यास और लोकार्पण सब कार्यक्रम उसमें सम्मिलित है। मुख्यतः अगर हम बात करें तो जो रोपवे जो प्रोजेक्ट उनका अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रोपवे प्रोजेक्ट है बनारस के सांसद का, वो बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन से गदोलिया तक जो जाना है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी, उसका शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा हम राजा तालाब क्षेत्र में गंजारी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। तो कुल मिला के आपको बता दें कि लगभग 1800 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और उनका जो आधारशिला शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। लगभग 5 घंटे बनारस प्रवास के दौरान ये उनके विभिन्न कार्यक्रम होंगे और इसके लिए बनारस के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है अपने सांसद देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। इसके लिए विशेष रूप से ढोल नगाड़े की व्यवस्था की गई है, लोक नृत्य की व्यवस्था की गई है, साथ ही गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। जिला प्रशासन भी पीएम के आगमन को देखते हुए अंतिम तैयारियों में जुट गया है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद, आप सबको ये जान के हर्ष होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में जितना माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा लगता है, आज के पूर्व कोई भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार नहीं गया होगा। आगामी 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी का आगमन है। 1785 करोड़ का सौगात अपने संसदीय क्षेत्र में मेरी काशी कहने वाले सांसद जी अपने लोगों को देने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का 24 तारीख को जो आगमन है और सबसे पहले वो वर्ल्ड टीबी बोर्ड की जो बैठक है और भारत द्वारा एक संकल्प लिया है कि 2025 के पहले भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए, उसके क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उस वर्ल्ड टीबी फोरम के बैठक में प्रतिभाग किया जाएगा। उसके बाद पब्लिक रैली है संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में, वहाँ पे परियोजनाओं की शिलान्यास और